अक्सर करके हम लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, जो कि खाने के साथ में सलाद ज़रूर आता है और उस सलाद को हम बड़े चाव से खाते हैं, जो कि खाने का स्वाद दोगुना कर देता है। तो वही सलाद आज हम बनाएंगे, सिरका अनियन। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे 12 से 13 प्याज ले ली, ये मीडियम साइज़ की प्याज है, एक दो छोटे भी प्याज हैं। अगर आपके पास छोटे प्याज नहीं है तो बड़ा प्याज है तो उसको 4 से 5 टुकड़े में करके सलाद बना सकते हैं। तो प्याज को हमने छील करके अच्छे से धो के सुखा लिया है। तो प्याज में हम इस तरह से कट लगा लेंगे, यहाँ पे हमें 2 कट लगाने इस तरह से। कट लगाने से ये होता है कि सारे फ्लेवर जो है प्याज के अंदर अच्छे से आ जाएंगे और सलाद जो है हमारा बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हम सारे प्याज में कट लगा लेंगे और ये सलाद जो है बहुत जल्दी बन जाता है। यहाँ पे देखिए सारे प्याज में हमने कट लगा लिए हैं। तो यहाँ पे हमने 5 से 6 हरी मिर्च ले ली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और आधा बीटरूट लिया है, जिससे कि सलाद में अच्छा कलर आएगा। तो यहाँ पे हरी मिर्च आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, हमने बहुत थोड़ा सा लिया है। तो अब अदरक को हम इस तरह से काट लेते हैं छोटा छोटा, तो ये इसका भी फ्लेवर अलग से आता है सलाद में। तो अब इसे बीटरूट को भी इस तरह से हम छोटा छोटा काट लेंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च को भी बीच से चीरा लगा सकते हैं, हम ऐसे ही खड़ा ही डाल देंगे, जिससे कि अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने बीटरूट को भी काट लिया, ये देखिए। तो अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें आधा कप पानी डाल देंगे, पानी में उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब हम छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। अब इसी के साथ में जो हमने बीटरूट काट के रखे थे उसको भी डाल देंगे। तो ये देखिए इसमें कलर आना शुरू हो गया, कितना अच्छा सा कलर आ गया। अभी बहुत हल्का है, बाद में डार्क हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा हमें नहीं उबालना है, बस 1-2 उबाल लाने। इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी और 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, बस मिक्स कर देंगे और उसके बाद गैस को हम बंद कर देते हैं। अब इसमें हम जो मिर्च हमने रखी थी उसको डाल देंगे। तो मिर्च हमने डाल दी और जो अदरक काट के रखा था उसको भी डाल देंगे इसी के साथ में, और इसको ठंडा होने देंगे पानी को। तो ये देखिए पानी जो हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब हम एक लेंगे एक बोल, उसमें सारे प्याज को डाल देंगे, उसके बाद ये जो सारा पानी है इसी के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने आधा कप पानी लिया था, तो आधा कप विनेगर डाल देंगे, सफ़ेद सिरका जो होता है उसको हम डाल देंगे। तो अब इसको हम 12 से 24 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि सारे फ्लेवर अच्छे से अंदर आ जाए मिर्च और प्याज के अंदर। तो आप चाहे तो 3 से 4 घंटे के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा सलाद नहीं लगेगा। तो इसको हम 12 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो 12 घंटे हो गए, ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है प्याज में और डार्क, कितना डार्क कलर आया। और जो मिर्च हमने डाली थी इसमें खट्टे मीठे का भी फ्लेवर आ चुका है और खाने में मिर्च बहुत अच्छी लगती है। सलाद हमने बहुत थोड़ा सा बनाया है, अगर आपको ज़्यादा बनाना है, इससे ज़्यादा लेना है, यानी कि इससे डबल प्याज का बनाना है, तो यहाँ पे हमने आधा कप पानी लिया था और आधा कप विनेगर लिया। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो 1 कप पानी और 1 कप विनेगर आप लेकर के बना सकते हैं, और साथ में चीनी और नमक की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप सलाद को बना सकते हैं। तो इसे हम किसी सूखे जार में भर करके रख लेंगे। इसको इसे आप फ्रिज में रख करके 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें विनेगर पड़ा है, तो विनेगर जो है प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, तो ये जल्दी सलाद ख़राब नहीं होता है। तो जो बचा हुआ पानी इसको इसी में डाल देंगे सारा। आपको कट करके दिखा रहे हैं सलाद हमारा कैसा बना, ये देखिए इसके अंदर सारे फ्लेवर आ चुके हैं और कलर जो है कितना अंदर तक आया है। तो आप एक बार इस तरह से सलाद को ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।